रायसेन जिला कलेक्टर उमा शंकर भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी के दौरान जनता से लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। ऐसे हालातों में गोहरगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिनेका में पड़ा दुकानदार के साथ लुका छिपी खेलते हुए पकड़ा गया है। सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर कपड़ा दुकानदार लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलता रहा, पुलिस की गाड़ी आने पर शटर गिराता रहा। शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी गोहरगंज कुमार चौधरी दलबल के साथ निजी वाहन से ग्राम बिनेका पहुंचे और कपड़ा दुकानदार चतुर सिंह नायक के खिलाफ धारा 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की है। प्रशासन ने जनता से सहयोग करने की अपील की है। आदर्श न्यूज के लिए रायसेन से अजय गोहिल की रिपोर्ट। बुधनी पुलिस के द्वारा लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा नागरिकों को समझाइश भी दी जा रही है, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस के द्वारा घरों से बेवजह सड़कों पर निकलने वाले आवारा घूमने वाले नागरिकों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। बुधनी पुलिस के द्वारा रविवार को ऐसे अनेक लोगों को पकड़ा गया। नियम कानून से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। दूसरी ओर सहागंज टीआई के द्वारा भी मास्क नहीं पहनने बाजार में आवारा घूमने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आदर्श न्यूज के लिए बुधनी से यशवंत गौर की रिपोर्ट। सीहोर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान 330 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें सीहोर शहरी क्षेत्र के 58, नसरुल्लागंज क्षेत्र के 8, इछावर क्षेत्र के 45, आष्टा क्षेत्र के 51 नागरिक शामिल हैं। सीहोर जिले में 1359 कोरोना के एक्टिव केस बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में 2 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हो गई है। कोरोना संक्रमित होकर मौत के शिकार हुए नागरिकों की संख्या बढ़कर 77 हो चुकी है। रविवार को हुई मौतों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। 71 व्यक्तियों को रिकवर किया गया है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजीव गुजराती ने सीहोर जिला अस्पताल प्रबंधन को जनहित में 2 माह के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। श्री गुजराती ने कहा कि जिला अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। जिला अस्पताल प्रबंधन निजी तौर पर वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन रखें, इसका 2 माह का भुगतान जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस संबंध में श्री गुजराती ने अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन के प्रभारी डॉक्टर को प्रस्ताव पत्र भी सौंपा। हम लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ 3 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, इन्हें प्रारंभ किया जाए, तो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, हमारे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे कांग्रेस के, सबने निर्णय लिया है कि यहाँ जल्द से जल्द वेंटिलेटर टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए, वेंटिलेटर चालू किए जाए और कोरोना काल में उनकी जो तनख्वाह होगी, उनका जो व्यय होगा, वो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा CMHO के माध्यम से उनकी तनख्वाह प्रेषित की जाएगी। रायसेन जिले के मंडीदीप में कोरोना संक्रमण को लेकर विधायक सुरेंद्र पडवा ने आपात बैठक आयोजित की। श्री पडवा ने कहा कि विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की लागत से जीवन रक्षक दवाइयां और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक ने क्षेत्र की जनता से कोरोना से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने, मास्क लगाने, 2 गज की दूरी का पालन करने, सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बैठक में समीक्षा भी की गई। जिले के अब्दुल्लागंज, गोहरगंज, सुल्तानपुर, पाड़ी और मंडीदीप में अगले 1 सप्ताह के अंदर कोविड वार्ड में 100 से अधिक सामान्य बेड और 50 से अधिक ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। इंदौर महानगर के कलेक्टर मनीष सिंह ने सक्रिय पत्रकारों की प्रशंसा की है। उन्होंने फील्ड में काम कर रहे पत्रकारों के इलाज मदद करने का भरोसा दिलाया है। इंदौर मीडिया यूनाइटेड के प्रतिनिधि मंडल ने रेसिडेंसी कोठी में सांसद शंकर लालवानी,
कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की। कलेक्टर और सांसद ने काम के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पत्रकारों के इलाज की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। आदर्श न्यूज के लिए इंदौर से नितिन कनारे की रिपोर्ट। हमारे पत्रकार साथी फील्ड में रहते हैं, दिन रात वो इससे जूझते हैं और इस जो आपदा है उसमें लगे रहते हैं और बहुत दुखद है उनका हमारे से बीच में जाना। और सब ज़्यादा उम्र के नहीं है, मैं जानता हूँ उनको, कई वर्षों से जानता हूँ, पर दुखद है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एक प्रशासनिक अधिकारी उनको कोऑर्डिनेट करें और किस प्रकार की जो अगर कोई असुविधा होती है उसको दूर करें। उसमें ये दुखद है घटना, ये हम लोगों की तरफ से जो भी हमारे पत्रकार साथी रहते हैं उनको, मेरे साथी सब रहते हैं, मेरे संपर्क में जानता हूँ सभी लोगों को, तो उन्होंने पूरे इस पीरियड में एक साल में पब्लिक के को संदेश देने में प्रशासन का, क्योंकि ऐसे समय में संदेश के जरिए कम हो जाते हैं जब लॉकडाउन की स्थिति रहती है, तो इन्होंने सभी ने रिस्क लेकर के ही अपना पूरा ये आदान प्रदान किया, जो समाचार का जो सही जानकारी तथ्यात्मक जानकारी सही जनता तक पहुँची है। दुखद घटनाएँ हुई हैं कुछ। आज आप सभी लोगों ने माननीय सांसद जी से अनुरोध किया था कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में, मेडिकेशन में, डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई एक ऐसा हो जाए, माननीय सांसद जी ने बोला है अधिकारी को नियुक्त करने के लिए, तो ऑलरेडी हमारे एक ऑफिसर है जो। शाहजहांपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में कोविड-19 वायरल बुखार से निजात पाने के लिए मंदिरों में भजन कीर्तनों का दौर शुरू हो गया है। बताया जाता है कि क्षेत्र में लगातार ग्रामीण बुखार के शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर हर किसी को चिंता सता रही है। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। गुलाना गांव के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण जनता खेड़ापति सरकार के सामने मत्था टेकने पहुंच रही है। ग्रामीण जन मंदिरों में जाकर सुख शांति और कोरोना महामारी के खत्म करने को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाहजहांपुर से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। इस कोरोना की महामारी के कारण पूरे देश में, विश्व में जो चल रहा है महामारी, इसके उपलक्ष्य में हम भगवान परमात्मा मन कामेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सभी को अपने सुख शांति प्रदान करें और अच्छा ये संकट का, दुख का संकट है, इसको आप कैसे भी